हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुमशुदा किशोर 10 साल बाद परिजनों से मिला तो जीने की फिर से आस जागी। आर्थिक रूप से कमजोर पिता ने कहा, इंतजार में कभी सुकून से खाना नहीं खाया। राम सिंह कस्बे के निकटवर्ती थूर गांव की एक ऐसी घटना जो महज एक घटना नहीं होकर एक रहस्य सा हो गया था। करीब 10 साल पहले की इस घटना को लोग अपने जहन में आज भी जिंदा रखे हुए हैं। वक्त 2010 का रहा होगा। जैसा कि परिजनों ने बताया, थूर निवासी मौकारा मेघवाल का पुत्र भरत, जो कक्षा 8वीं का छात्र था, अपने गांव से कपड़े खरीदने के लिए राम सिंह आया था। उस दिन के बाद भरत वापस घर नहीं आया। देर शाम तक घर नहीं आने के बाद अनपढ़ माता पिता ने आस पड़ोस के लोगों को बताया। उसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर ढूंढने के लिए रिश्तेदारों के साथ काफी प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। माता पिता खेती के जरिए जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे में चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर भी रिश्तेदारों की मदद से गुजरात में रहे रिश्तेदारों तक पड़ताल की गई, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ऐसे में थक हार कर मौकाराम व पत्नी ने अपने बेटे की वापस आने की आस तक छोड़ दी थी। ऐसे में भरत कुछ दिनों पूर्व घूमता हुआ क्षेत्र में आया था, लेकिन घर पर नहीं जाकर राम सिंह ने किसी अन्य वाहन चालक के जरिए अपने घर पर मिठाई बॉक्स, अपना फोटो वो मोबाइल नंबर का पार्सल बनाकर भेजा था, जिस पर परिजनों ने राम सिंह पुलिस थाने में सूचना देने के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन के दिशा निर्देशन में राम सिंह थानाधिकारी के द्वारा पुलिस टीम का गठन कर टेक्निकल के जरिए नंबर लोकेशन के जरिए गुमशुदा भरत को जयपुर चोमू हाईवे पर साकेत होटल के सामने से दस्तयाब कर लिया गया। भरत के घर लौटने के बाद बूढ़े माता पिता के जीने की आस मानो वापस आ गई है। घर परिवार सहित रिश्तेदारों में भी खुशी है। पिता मजदूरी करते हैं, छोटा बेटा लालाराम भी बोल नहीं पाता। भरत के पिता मौकाराम मेघवाल मजदूरी करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर पिता अपने बेटे के खो जाने के बाद से लगातार दर बदर अपनी हाजिरी लगाते हुए ढूंढने के लिए विनती करते हुए 10 साल निकाल दिए। इस दौरे में मजदूरी के कोरोना काल का भयानक समय गुजरा। सामाजिक मध्यस्थता के चलते किसी के सामने मांग भी नहीं सकते, लेकिन हालतों ने इंसान को बेबस कर दिया। जिस बेटे के लिए मजदूरी करके बुढ़ापे के सुनहरे सपने सजा रहे थे, वही बेटा गुम हो गया। छोटा बेटा लालाराम बोल नहीं पाता है। बूढ़े पिता के सिर पर मानो भगवान ने लाठी मार दी हो। गुमशुदा भरत ने बताया, कक्षा 10वीं में पढ़ता था तब राम सिंह आया था। उसके बाद वह जालोर के लिए बस में बैठ गया था। उसके बाद वह गुजरात के अहमदाबाद शहर गया, वहां से बैंगलोर गया। वहां अलग अलग जगह पर नौकरी की। लंबे समय बाद वह राजस्थान के जयपुर शहर आया, जहां होटल में नौकरी करते हुए अपने दिन गुजारे। भरत को ठीक से संयम तो याद नहीं, लेकिन मोटे तौर पर इतना ही बता पाया। 10 साल के बाद वह घर लौटा तो परिजनों में खुशी है। इस दौरान मारवाड़ी भाषा तो समझ में आती है, लेकिन बोल नहीं पाता। पुलिस टीम में थे पुलिसकर्मी। गुमशुदा भरत को ढूंढने में हेड कांस्टेबल छगना राम, कांस्टेबल राकेश कुमार, राजू सिंह, दिनेश कुमार टीम में शामिल थे। जागरूक टीवी के राम सिंह से गिरधारी लाल प्रजापत की रिपोर्ट।